तो हमने तो शुरू में ही ये सोच लिया जब पर्चा बनेगा बन जाएगा, हम तो इधर उधर बहुत भटक लिए सब जगह, डॉक्टरों के भी वैसे भी, लेकिन अब मैं अकेली आती हूँ, मेरे घर में कोई मना नहीं करता, मेरे हस्बैंड भी मना नहीं करते, पहले बहुत रोकते थे, अब नहीं मना नहीं करते मेरे, पहले रोकते थे क्यों क्या कहते शुरू में पहले से बोलते रहते थे, लेकिन जब आने का टाइम होता था जब लड़ाई कर देते थे, और जाती थी तो अभी दो तीन दिन तक लड़ाई होती रहती थी, इसलिए करते थे कि चली जाती हो, पर्चा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, क्या है, मन में भक्ति नहीं रखती हो, क्या नहीं रखती हो। तो मैंने एक दिन बोल दिया मन कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, अपने घर भी नहीं जाऊँगी, लेकिन बागेश्वर धाम मेरे बाप का घर है, वहाँ से मुझे कोई नहीं रोकेगा भी नहीं। ऐसे तो मैं तो कहती हूँ हमने कभी जिंदगी में देखे ना देखेंगे, जैसे ये गुरु जी है ना, साक्षात्कार बालाजी का रूप है, इनके ऊपर सिद्धि है, सब कुछ है। अगर कोई कहता ना तो आके यहाँ बोले ना, नानू की ठटरी बाढ़ दें गुरु जी, तो जब जाने हम तो आके बोले ना, जैसे हमने आके धाम पे देखे हैं, दूर से बैठने से क्या होता है। मेरा सीमा चौहान नाम है, मैं नोएडा यूपी से हूँ। बागेश्वर धाम आप कब से आ रहे हो? बागेश्वर धाम में सन 2022 में आई थी, 20 दिसंबर को आई थी, और जब से मैं आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं महीना में एक बार आई जाती हूँ। और मैं सबसे पहले बागेश्वर धाम की जय बोलनी चाहूँगी, बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय। और यहाँ जो भी कुछ है रियल है, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि दिखावा नहीं है, कि बिल्कुल ही कोई दिखावा है, जो भी कुछ है बिल्कुल रियल है। और यहाँ इतने लोग आते हैं, इतने भक्त आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो पिछले दो साल में आपको क्या मिला, मतलब पिछले दो साल में जो मेरे घर में मतलब थोड़ी सी दुविधा चल रही थी, तो उसमें भी मुझे शांति मिली, जो घर में उथल पुथल हो रही थी, मतलब शांति नहीं थी, तो उसमें भी काफ़ी वो है। और बच्चों में भी जो पढ़ाई का वो है, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी मेरा पर्चा बनाता था, अभी इस हाँ पर्चा बना था, और गुरुजी ने, मैंने बस इतना ही बोला था कि गुरुजी मेरी बेटी ने 12वीं क्लास पास करी है, और उन्होंने छूटते ही बोल दिया कि वो CA की तैयारी करे और वो बनेगी, मतलब अकाउंटेंट बनेगी, और उन्होंने एक साथ बोल दिया। और उसके मन में भी वही था, लड़की के भी मन में वही था, लेकिन गुरुजी ने एक साथ ही बोल दिया उसको। और बड़ी लड़की ने मेरी BTEC करी है, उसको भी गुरुजी ने बोला कि अच्छी जॉब मिलेगी उसको भी। और मैं बताया तो नहीं था जब पर्चा, नहीं कुछ नहीं बताया था मैंने गुरुजी को, और गुरुजी ने बोल दिया कि तुम बहुत सन्यासी बाबा की साधना करना चाहती हो और बहुत मतलब आगे बढ़ना चाहती हो। तो मैंने सन्यासी बाबा की साधना भी ली थी, और मैंने अनुष्ठान करा था, मुझे सन्यासी बाबा का अनुभव भी हुए थे बहुत ज़्यादा। तो अनुभव के बारे में बताएं, वही समझना चाहिए। हाँ, तो अनुभव हुए थे, सन्यासी बाबा ने मेरे को अनुभव कराया, मतलब सोते हुए अनुभव गया था, सपने में ही सपना देख रही थी, तो सन्यासी बाबा आए थे, और गुरुजी ने हमको पहले बता दिया कि सन्यासी बाबा का आपको दर्शन होंगे 100% होंगे, जब सन्यासी बाबा की साधना दी थी, जो आप सच्चे मन से साधना करो तो 100% देखेंगे। तो मैंने उनके एक साथ चरण पकड़ लिए, और मैंने जैसे ही माथा उनके पैरों में रखा, उन्होंने एक साथ मेरे गले में दूसरी माला डाली, मतलब पहली माला डाली फिर दूसरी डाली, मैंने सोचा माला डालते होंगे, मैं बोली उनकी बाबा मैं बहुत परेशान हूँ घर की तरफ से। उन्होंने बोला कि बेटा सिर नीचा करो, फिर मैं नीचा कर लिया सिर, मन की मैं बीमार क्यों रहती हूँ, ऊपर का चक्कर है, किसी ने कुछ करवाया, तो उन्होंने बस बोले करो हाँ, इतना कहा, इतनी मेरी आँख खुल गई बस। तो कैसे दिख रहे थे? और बिल्कुल उनकी मोटी मोटी आँखें, इतनी ऊँची ऊँची खड़ाऊ पैर रखी हैं, इतने मोटे मोटे कड़े पैर रखे हैं, बिल्कुल गुलाबी पिंक सा चेहरा उनका, बिल्कुल मोटी पैर, और इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी है, इतनी बड़ी। हाँ, तो ये आपको सपने में दर्शन, सपने में दर्शन दिया था बाबा ने मुझे। ऐसा भी तो हो सकता है, सोचते सोचते सो गए हों, तो अनुष्ठान कराना, 21 दिन का अनुष्ठान करा, नीचे सोती थी, एक टाइम खाना खाती थी। अनुष्ठान में क्या क्या किया था? अनुष्ठान में मैंने नीचे सोना, एक टाइम खाना खाना, एक टाइम फलाहार करना, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना, ना किसी के घर जाना, और मतलब 101 हो जाए, 108 हो जाए, इससे ज़्यादा हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए एक दिन में, एक ही साथ में, एक दिन में नहीं, एक ही बार बैठ के इतने हो जाएं, और जितनी जप कर सको उतना जप करो, और एक चौकी सजाओ, चौकी पर नारे रखो, और सन्यासी बाबा की बालाजी की फ़ोटो रखो, अखंड जो जलाओ 21 दिन की ना, सरसों के तेल की, और जो भी तुम भोग लगाना चाहो वो भोग लगाओ, फलहार का या उसका, लेकिन सन्यासी बाबा का शाम के टाइम घी शक्कर का भोग लगता है, ये गुरुदेव ने बताया था। तो पूरी पूजा जो है एक बार आप ब्रीफ में बता दीजिए, शॉर्ट में, कि कैसे कैसे करनी है, जैसे किसी को अनुष्ठान करना है सन्यासी बाबा के अनुभव के बारे में या उनसे की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो कैसे करना है? सन्यासी बाबा का, जिसने सन्यासी बाबा की साधना ली है वही सन्यासी बाबा का अनुष्ठान कर सकते हैं। हाँ, सन्यासी बाबा की साधना साल में एक बार ही गुरुजी देते हैं, जब लड़कियों कन्याओं का विवाह होता है उसी टाइम पर देते हैं, मार्च के महीना या फरवरी जो भी पड़े उस टाइम पर, जो भी महीना पड़ेगा उसी टाइम पर देते हैं सन्यासी बाबा की साधना। जैसे जब आपने 21 दिन का अनुष्ठान किया, तो अनुष्ठान के बाद फल कुछ अच्छा प्राप्त हुआ? हाँ, फल तो अच्छा प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फल तो यही का सन्यासी बाबा के दर्शन हो गए, सबसे बड़ा तो यही है, लेकिन मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, मैं गुरुजी बोलते हैं कि ज़्यादा अनुभव बताओगे तो आगे अनुभव होना कम हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने अपने घर में भी नहीं बताया, किसी को, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। सबसे पहले जब मेरी अर्जी लगी मैंने गुरुदेव को ही बताया, गुरुदेव ने मेरे को बोला अरे हुआ, इतना अगर तुम करते रहना और अनुष्ठान करना,
करते रहना, उन्होंने मेरे को यही बोला कि करते रहना, अब मैं जाऊंगी 21 दिन का फिर मैं अब करूंगी, क्योंकि लेडीज़ का एक टाइम में 40 दिन का नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं अब 21 दिन का फिर करूंगी। जैसे यहाँ पे आपको कुछ अंधविश्वास या फिर कुछ ऐसा लगा जहाँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि अंधविश्वास फैला रहे हैं? कुछ भी नहीं ऐसे, तो मैं तो कहती हूँ हमने कभी ज़िंदगी में देखे हैं ना देखेंगे, जैसे ये गुरु जी हैं ना साक्षात्कार बालाजी का रूप है, इनके ऊपर सिद्धि है, सब कुछ है, अगर कोई कहता ना तो आके यहाँ बोले ना, ना उनकी ठटरी बार दें गुरु जी, तो जब जाने हम तो आके बोले ना, जैसे हमने आके धाम पे देखे हैं, दूर से बैठने से क्या होता है, हम तो यहाँ साक्षात्कार देख रहे हैं ना गुरु जी को, कहीं भी जाते हैं गुरु जी। ये इनके इनके पास ज़्यादा पब्लिक क्यों आती है, चमत्कार देखने के लिए या बाकी में इनसे कुछ सीख के जाते हैं या फिर केवल चमत्कार? देखो पब्लिक कुछ चमत्कार देखने के लिए आती है, कुछ जो जुड़ चुकी है उनको चमत्कार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो धाम से जुड़ी है। गुरु जी शुरू में बोल देते हैं कि पर्चा तो एक बहाना है, मुझे तो बालाजी का बनाना है, तो हमने तो शुरू में ही ये सोच लिया जब पर्चा बनेगा बन जाएगा, हम तो इधर उधर बहुत भटक लिए सब जगह, डॉक्टरों के भी वैसे भी। कहाँ गए थे आप? हम डॉक्टरों के जैसे कोई बताता था कि आपको ऊपरी चक्कर है वहाँ जाओ ऐसे, तो काफ़ी गए थे, लेकिन अब हमने एंड में छोड़ दिया कि जब भी परेशान है ठीक होंगे तो वहीं से होंगे, अब ज़िंदगी में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बालाजी को तो हमारे पूर्वज भी पूछते आ रहे हैं। तबीयत वगैरह खराब रहती थी वो अब ठीक रहती है? हाँ पहले मैं सुबह को काम कर लेती तो शाम का मेरा भरोसा नहीं था कि मैं काम कर पाऊँगी, अब मैं अकेली आ जाती हूँ नोएडा से, यहाँ मेरे साथ कोई नहीं आती है, पहले हम शुरू में 70 आदमी आए थे हम, फिर एक मेरी फ्रेंड आती थी, अब वो भी उनके घर में भी थोड़ा ऐसी रुकावट आ गई तो वो भी रुक गई हैं अब, तो मैंने बाबा से पूछा था पिछली बार तो वो भी हो जाएंगी शुरू आना वैसे, लेकिन अब मैं अकेली आती हूँ, मेरे घर में कोई मना नहीं करता, मेरे हस्बैंड भी मना नहीं करते, पहले बहुत रोकते थे, अपने मना नहीं करते मेरे, पहले रोकते थे क्यों क्या शुरू में पहले से बोलते रहते थे, लेकिन जब आने का टाइम होता था जब लड़ाई कर देते थे और जाती थी तो अभी दो तीन दिन तक लड़ाई होती रहती थी। मना क्यों करते थे, विश्वास नहीं? इसलिए करते थे कि चली जाती हो, पर्चा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, क्या है मन में भक्ति नहीं रखती हो, क्या नहीं रखती हो, तो मैंने एक दिन बोल दिया मन की मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, अपने घर भी नहीं जाऊँगी, लेकिन बागेश्वर धाम मेरे बाप का घर है, वहाँ से मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ और मैं जाऊँगी। मैं बिनाई का ही टिकट करवा देती थी, जब आती थी बच्चों से बोल दिया, एक दो बार में उनको बता के भी नहीं आई थी, बच्चों ने बाद में बताया, तो भी लड़े पर जाके कि मतलब बच्चों को ओके मतलब मेरे को बताया भी नहीं, बच्चों को बता के चली गई मन कि हाँ आप रोकते हो, फिर मैंने बताया नहीं आपको, इस वजह से। तो मतलब कितनी पेशियाँ हो गई हैं आपकी? मेरी पर्चा बनने के बाद तो अभी तीसरी पेशी है, लेकिन उससे पहले तो मेरी 12-13 पेशियाँ हो गई हैं। लेकिन मतलब आपको आराम लगना, जो भी आपका हेल्थ इशू था, आराम लगना कितनी पेशी में? आराम तो देखो मन में विश्वास है तो 2-3 पेशियों, जैसे जैसे पेशी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आराम लगता जाएगा, लेकिन कोई वो है कि आ रहे हैं जा रहे हैं लहसुन प्याज खाना नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं सन्यासी बाबा की कोई यहाँ 5 तो आहुति देनी जरूरी होती है, हवन करना जरूरी होता है, यहाँ आओ तो हवन करो जरूरी यहाँ के, और 5 आहुति सन्यासी बाबा की, 5 ओम बागेश्वराय नमः की जरूर देनी होती है। अभी एक महिला मुझे मिली थी, वो कह रही थी मैंने तो काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, मेरे काम नहीं हुए और आपके काम हो गए, तो ये उन दोनों में क्या मतलब, जैसे आपके काम में या उनके? मन से करोगे और जो भी कुछ आप यहाँ आ रहे हो दर्शन कर रहे हो, फिर जाके आप जो कुछ खा रहे हो कुछ भी खा रहे हो, अभी मैं 4-5 बार पहले से हम एक धाम उस पर खाना खा रहे थे, तो एक कह रहा था अभी पराठे वराठे हैं, नुका हाँ जी, नुका लहसुन प्याज डाल देना, नुका लहसुन प्याज, यहाँ लहसुन प्याज किसी के यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ आ रहे हो तो किसी आ रहे हो, लहसुन प्याज छोड़ के आओ यहाँ, अगर आ रहे हो तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे भी डिमांड करते हैं? हाँ डिमांड करते हैं, वो खुद बोल रहा था अगर यहाँ किसी के में पाएगा 1,000-2,000 रुपये जुर्माना है किसी के रेस्टोरेंट में पाएगा, प्याज तक पाई गई तो मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो जिंदगी भर मेरे बच्चे मंगल सैटरडे और जैसे आज एकादशी मैं फास्ट रखती हूँ तो एकादशी को नहीं खाएंगे, मेरे घर में और खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, बस वो भी प्याज वगैरह खाते हैं, लहसुन तो हमारे घर में पहले भी नहीं खाते थे, लेकिन बच्चे हैं अभी मैं कंट्रोल सब पे नहीं कर सकती, लेकिन धीरे धीरे मेरे घर में सब पे हो जाएगा कंट्रोल। मेरे हस्बैंड बहुत बालाजी के भक्त हैं, हर उसको मंगलवार को चोला भी देते हैं बालाजी का, लेकिन यहाँ आने के लिए अभी मना कर दिया, कह रहे कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक बाबा मुझे नहीं बुलाएंगे, लेकिन मेरी जब अर्जी लगी थी तो मुझसे कह रहे थे, पहले ही कह रहे थे जब तुम्हारी कभी भी बाबा से मिलना हो गुरुजी से कभी भी हो, लेकिन मेरे लिए एक मंत्र लिखवा के लाना उनसे, तो मैंने बोला था गुरुजी से, गुरुजी ने बोला जो मुझे पर्चे पे लिखा था बोल दिया कि यही वो करेंगे, इसको ही करेंगे वे भी। तो वो अभी अंकल मतलब अंकल नहीं आए? नहीं अभी नहीं आए, एक बार भी मेरे बच्चे आ गए। अब तो पर्चा बन गया ना आपका? हाँ अभी नहीं आए वो, उनको बहुत चमत्कार भी हुए हैं बालाजी, यहाँ प्रेतराज के जो पेड़ हैं उन पर बालाजी दिखे हैं बैठे हुए, और उनकी जेब से दोनों से पैसे निकाले हैं उन्होंने बालाजी ने हनुमान जी के रूप में, कई बताए मेरे को ना सपने के, ऐसा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मन की आपको बुला रहे हैं आप जाते क्यों नहीं हो, जाओ ना, कह रहे अभी नहीं जाऊँगा मैं, अभी नहीं जाऊँगा, पता नहीं वो कब आएंगे जब गुरु जी। उसमें जो बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं बालाजी के, उनको आप लास्ट में क्या कहोगे जो जिनका विश्वास टूटने लग जाता है या फिर वो पूजा बंद कर देते हैं कि अब हनुमान जी सुन नहीं रहे तो वह हम नहीं?
देखो मैं तो यही कहूँगी कि एक ना एक दिन आपका भी टाइम आएगा। और ये देखो तुम आप भंडारे की लाइन में कितने लंबे में लगे रहते हो और राशन की लाइन में कितने लंबे लगे रहते हो, लेकिन धीरे धीरे चलते आपका नंबर आ जाता है ना, तो उसी तरीके से आप लाइन में लगे रहो, एक ना एक दिन बालाजी ज़रूर सुनेंगे। यहाँ ये चमत्कार नहीं है, कोई वो नहीं है, धाम है, मतलब विश्वास का धाम है, और एक ना एक दिन तो नंबर आ ही जाएगा। ऐसे बालाजी और सन्यासी बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और जय जय श्री राम।